हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का ये नया वीडियो आपको बोर्ड मास के लिए कुछ सिखा के जाएगा। देखते हैं बोर्ड मास में डिटेल से बात करते हैं। ब्रैकेट्स के नेम की भी कंफ्यूजन हो रही थी बच्चों को, सो मेरी नॉलेज में ये आया कि ब्रैकेट के नेम भी मुझे डिस्कस करने चाहिए आपसे। देखिए क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम आपका लगेगा कि आप ब्रैकेट के नेम देख लीजिएगा। सबसे पहले हम ये वाला नंबर 1 ब्रैकेट सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होता है, एंड हाउ मेनी नेम ऑफ दिस स्मॉल ब्रैकेट इज देयर। इसको स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, और पैरेंथिसिस भी कहते हैं, राइट और नॉट? इस वाले ब्रैकेट को पैरेंथिसिस भी कहते हैं, राइट? सो अब आपका उत्तर होता है, उसके बाद मिडिल वाला ब्रैकेट जो कि दूसरे नंबर पे सोल्व होता है। सो यहाँ पे आपके पास इसको मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं, और ब्रेसिस भी कहते हैं। ओके, सो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन, देन बिग ब्रैकेट। ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, और बॉक्स ब्रैकेट भी कहा जाता है। ओके, सो आप ये ध्यान में रखिएगा, ब्रैकेट्स के बहुत सारे नेम्स हैं, यहां से भी बहुत बढ़िया एमसीक्यूज बन जाता है। उसके बाद बोर्ड मास आपको पता है अच्छे से, ठीक है? बी फॉर ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करेंगे आप, देन ऑफ एंड देन डिवीजन, राइट, देन मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ऑफ का मतलब भी बच्चों मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करके सोल्व नहीं करना है आपको, उससे उसकी प्रेसिडेंस चेंज हो जाती है भी, राइट? आप उसको एज इट इज ऑफ के ही सिंबल से सोल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए अभी कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से आप बेटर समझ पाएंगे कि बोर्ड मास को आप कैसे सोल्व करें, राइट? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, 6 / 2 ऑफ 1 + 2 × 2, राइट? सो देखिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं बोर्ड मास पे, राइट? बोर्ड मास आपका क्या कहता है, राइट? देखिएगा बोर्ड मास में आगे बढ़े सबसे पहले ब्रैकेट आता है। क्या मेरे इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है? हाँ जी ब्रैकेट है, तो मुझे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर घुसना है, और जो भी ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन है उसमें फिर से मुझे यहां तक ओड मास देखना पड़ेगा, राइट? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे, ब्रैकेट के अंदर अगर ब्रैकेट है तो वो भी पहले सोल्व होगा, और उसके अंदर जाके हम फिर से ओड मास को चेक करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम बात करेंगे ओड मास कैसे चेक करेंगे, यहां तो ब्रैकेट में सिर्फ एक ही ऑपरेशन है तो उसको हम सोल्व कर देंगे, राइट? देखिएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ, तो ये ब्रैकेट के अंदर 1 + 2 जो है आपका 3 हो जाएगा, 4 × 2, गॉट? ओके 6। नाउ उसके बाद देखिएगा ब्रैकेट आपका सोल्व हो गया, अब आपका ऑफ की टर्न आती है। ऑफ है यहां पे, हां जी ऑफ है, तो मेरा ये वाला मैं जिस भी स्टेप को सोल्व कर रहा हूं उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, सो दैट कि आपको इजीली समझ आ जाए कि क्या हो रहा है। ओके, डिवाइड बाय 2 × 3 = 6 आएगा आपके पास, × 2, राइट? अब देखिएगा ऑफ भी मेरा सोल्व हो गया। अब आते हैं हम डिवीजन पे, क्या डिवीजन है यहाँ पे? हाँ जी डिवीजन है, तो इसको पहले सोल्व कर दीजिएगा। 6 / 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आपके पास आ गया 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, देखिए इसमें फिर से हम बोर्ड मास देखेंगे। देखिए आप बोर्ड मास को फिर से सीक्वेंस में लेके आएंगे, कैसे हम बोर्ड मास सोल्व करेंगे 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे, और यहां पे देखिएगा ब्रैकेट के साथ कोई साइन नहीं है तो उसको आप मल्टीप्लाई साइन समझ लेंगे, दैट विल बी सोल्व लेटर, वो बाद में सोल्व होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? साइन हमेशा होना चाहिए, यहां पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन माना जाएगा अदरवाइज। ओके सो 4 × 2 और ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर आके आप फिर से देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट तो है नहीं, राइट? और फिर आप अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर हमारे पास ओड मास बच जाता है, ओ से लेके एस तक। ओके और ओड मास में आप देखिए कैसे करेंगे, ओड मास में आप सबसे पहले ऑफ को चेक करेंगे। ऑफ है यहां पे, देखिएगा हां जी ऑफ है मेरे पास, तो बाकी सब कुछ एज इट इज लिख दीजिएगा। सबसे पहले इस वाले पेयर को सोल्व कर दीजिएगा, देखिएगा कैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेक्ट आंसर निकालते हैं। बिगिनिंग में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा, जब आपको अच्छे से बोर्ड मास समझ में आ जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एक स्टेप में 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है? यहां पे भी हम एक क्वेश्चन लेंगे लास्ट में, तो उससे आपको समझ आएगा, आप एक स्टेप में मोर देन 1 ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ध्यान रखना है मिस्टेक ना हो जाए आपसे, हम आपको सिखाएंगे कैसे आपको करना है वो, राइट? सो नाउ उसके बाद ऑफ हो गया, फिर डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन आपका ये यहां से डिवीजन शुरू होता है, 10
प्लस 15 डिवाइड बाय 5, 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, राइट, 3 इंटू 4 माइनस 4, उसके बाद आपका डिवीजन भी हो गया, ऑफ भी हो गया, हम ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर फिर मल्टीप्लाई आ रहा है आपके पास, चलिए मल्टीप्लाई को सोल्व कर लेते हैं, दैट इज 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 3, 12 सोल्व हो गया, माइनस 4, ओके, और जब आपके पास ओनली प्लस माइनस ब्रैकेट में बच जाए या फिर टोटली बोर्ड मास में प्लस माइनस बच जाए तो आप लेफ्ट टू राइट करें। आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जब दोनों ऑपरेशन एक साथ आ जाएं तो आपको लेफ्ट से राइट करना है। लेफ्ट से राइट कैसे, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, मैं क्वेश्चन की तरफ फेस करके खड़ा होता हूं, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस इज माय राइट हैंड, सो लेफ्ट, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, दिस इज लेफ्ट और दिस इज राइट, सो लेफ्ट से राइट, यानी कि इधर से इधर सोल्व करते चलो आप, राइट पेयरिंग बनाते हुए। अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको समझाएंगे कैसे करना है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट कर दो, आपको टेंशन नहीं लेना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या कर रहा है, ओनली एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपके पास है, लेफ्ट से राइट कर दीजिए, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस 12 कितना होगा, 22 माइनस 4, और ये आपके पास 4 इंटू यहां पे आपके पास आएगा 18, और 18 4 जा 72 आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रिड्यूस करते हुए लेके आना है, जैसे ही आप एक एक पेयर सोल्व करते आएंगे आपका क्वेश्चन की लेंथ जो है ऑटोमेटिकली कम होती आएगी और आपके पास होल नंबर एक वैल्यू आ जाएगी, इट मे बी इंटीजर, इट कैन बी अ फ्रैक्शन ऑल्सो, नॉट ओनली होल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आपके सामने, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड मास चेक करते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पे बोर्ड मास कि कौन सा ऑपरेशन आपको कब करना है, ओके। सो सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट जी, बिल्कुल ब्रैकेट है यहां पे, तो ब्रैकेट के अंदर एंटर करने के बाद फिर हम चेक करेंगे ओड मास, राइट। अब ओड मास जब चेक कर रहे हैं तो ऑफ मेरे पास है, यानी ऑफ मेरे पास यहां पे है, तो मैं सबसे पहले इस वाले पेयर को सोल्व करूंगा, ओके। सो 47 इंटू 3 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 24, बाकी सबको एज इट इज लिख दीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट आता है, ऑफ फिनिश हो गया मेरा, अब मेरे पास आता है डिवीजन, राइट, डिवीजन है मेरे पास यहां पे, और मेरे पास दो डिवीजन है, एक ये ग्रुप डिवीजन का, एक ये ग्रुप डिवीजन का, आप दोनों ही डिवीजन के ग्रुप को एक साथ सोल्व कर सकते हैं, दोनों सेपरेटेड बाय मल्टीप्लीकेशन साइन है, तो आप उनको सोल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देखिएगा 47 इंटू 3 माइनस 72 डिवाइड बाय 24, 3 आएगा आपके पास, राइट, इंटू 56 डिवाइड बाय 7, 7 8 जा 56, तो यहां पे आपके पास 8 आ जाएगा, ओके। सो नाउ 47 इंटू 3 माइनस, ब्रैकेट में आपके पास ओनली मल्टीप्लीकेशन है तो आप मल्टीप्लीकेशन को सोल्व कर देंगे, राइट, 8 इंटू 3 24 आ गया आपके पास, यहां पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 47 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 4 और 1 एंड माइनस 24, सो आपके पास आंसर आ जाएगा 117 इज योर करेक्ट आंसर, राइट, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है, देखिएगा फिर से आप देखेंगे यहां पे ब्रैकेट बोर्ड मास, जब बोर्ड मास देख रहे हैं तो मेरे पास यहां पे दो ब्रैकेट हैं, तो पहले आप किसी भी एक ब्रैकेट को अंदर घुस जाइए और उसको सोल्व करिए, राइट। सो यहां पे ब्रैकेट है मेरे पास, तो ब्रैकेट यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो सबसे पहले कोई भी एक ब्रैकेट आप सोल्व कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस ब्रैकेट को पहले सोल्व कर रहे हैं, राइट, 1800 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ 12 माइनस 6 दैट इज 6 ओनली, और ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ओके, इन द सेम स्टेप, देन मल्टीप्लाई, आप दोनों ब्रैकेट साथ में भी सोल्व कर सकते थे बिकॉज अलग अलग ब्रैकेट्स हैं, लेकिन जल्दी नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है, हमारा टारगेट है कि मिस्टेक ना हो हमसे, ओके। चलिए देखिएगा नेक्स्ट 1800, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, सॉरी दिस इज 10 ऑफ 6 प्लस, अब हम ऑफ सोल्व नहीं करेंगे, अब हम ब्रैकेट के अंदर फिर से जाएंगे दूसरे वाले ब्रैकेट में, पहले उस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, राइट, 13 माइनस 7 आप पहले सोल्व कर देंगे, यहां पे आपके पास 6 आएगा, 6 प्लस 8 हो गया, ओके, देन 1800 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ 6,
प्लस और ये आपके पास 14 आ गया, आपके 8 प्लस 6 14, तो आपके दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सोल्व हो गए। ओके, अब आपके पास ओड मास ऑपरेशन बचा है, उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या ऑफ है आपके पास बाहर, यस बाहर ऑफ है मेरे पास, तो उसको सोल्व करते हैं। पहले 1800 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6 बिकम 60 प्लस 14, राइट। अब 1800 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए जब मैं 1800 बाय 60 करता हूं तो जीरो से जीरो मेरा कैंसिल हो जाता है, वेरी इजी, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है आपको अब। ओके, इस तरह से कट करके देखेंगे और 6 1 6 6 3 18 और जीरो यानी कि आपके पास 30 आ जाएगा, राइट। दिस इज कमिंग 30 और प्लस आपके पास आ गया 14, राइट। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 44। ओके, देखिए कैसे स्मूथली क्वेश्चन सोल्व हो गया, जैसे एक एक स्टेप आपका रिड्यूस होता आया है और आपके पास एक होल नंबर में वैल्यू आ गई। ओके, सो इस तरीके से बोर्ड मास का यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सोल्व करें, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालिए, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा जस्ट आफ्टर दिस वीडियो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 के लिए आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, ठीक है। इन क्वेश्चन से पहले ही मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, आपको बता देता हूं। देखिएगा एक क्वेश्चन है 6 - 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1, इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, देखते हैं कितने बच्चों के आंसर ठीक आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, राइट, दिस इज योर होमवर्क। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। बोर्ड मास का यूज करिए, देखते हैं कितने आपके आंसर करेक्ट मिलते हैं मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम बोर्ड ब्रैकेट में एंटर करते हैं, बोर्ड मास यहां मैं लिख लेता हूं, ओके। और सबसे पहले ब्रैकेट में एंटर करेंगे, ब्रैकेट और सिंगल ब्रैकेट यहां पे, ब्रैकेट में एंटर करने के बाद अंदर स्मॉल ब्रैकेट ऑल्सो देयर, तो मैं सबसे पहले इसको सोल्व करूंगा। ओके, 100 - 5 × 1/2 of 10 - 45 / 17 - 2 इट इज कमिंग 15 और ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिएगा, राइट। अब देखिएगा ब्रैकेट, फिर से हम ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 100 - 5 × 1/2 of 10 - तो यहां ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आ रहा है, देखिए इसको सोल्व करिए और ब्रैकेट रिमूव कर दीजिएगा, नो नीड टू राइट ब्रैकेट अगेन, राइट। 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 3 आंसर आएगा, राइट। अब आपका ब्रैकेट खत्म हो गया, अब देखिएगा ब्रैकेट खत्म हो गया तो मैं अब ओड मास पे आ जाता हूं। ओड मास में आपको ऑफ देखना है, यहाँ पे ऑफ है, यस मेरे पास ऑफ है, तो लेकिन यहाँ पे ऑफ है तो ये 10 मेरा ऊपर है, हम इसको प्रॉपरली ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इसको 10/1 लिख लेते हैं हम, -3, नो 1/2 ऑफ 10/1, सो आप 2 को 1 से 2 5 या 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, हम ऑफ में या मल्टीप्लाई में क्रॉस में कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास इस वाले पेयर का आंसर आ गया ओनली 5, बिकॉज डिनोमिनेटर में मेरे पास कुछ नहीं है, 1 × 1 और ऊपर 5 × 1 5 बच गया मेरे पास। तो 100 - 5 × 5 - 3, ओके। अब मेरे पास यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करूंगा, 100 - 5 × 5 = 25 - 3। अब आपके पास ओनली 2 माइनस बच गए हैं, तो लेफ्ट टू राइट उसको प्रोसेस कर दीजिएगा, लेफ्ट से राइट, ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट, ओके। तो 100 - 25 दिस इज 75 - 3, सो आंसर इज कमिंग 72 आपका करेक्ट आंसर आ गया, ओके। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे ओनली आपके पास डिवीजन सिंबल है, राइट। देखिए हर 2 नंबर के कंजक्टिव नंबर्स के बीच में डिवीजन सिंबल आ रहा है आपके पास, सो डिवीजन सिंबल को जब सेम सिंबल हो, तो मैंने आपको पहले भी बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी दोनों अगर एक साथ आ रहे हैं तो आप लेफ्ट टू राइट प्रोसेस करिएगा, और अगर आपका डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन भी है तो भी आप लेफ्ट से राइट करिएगा, ओनली डिवीजन इज देयर तो भी आप लेफ्ट से राइट को प्रोसेस करिएगा, राइट। सो लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो डिवीजन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, 100 को आप 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा, राइट और नॉट। अगर आपके पास एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं भी है तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मैं इसको सोल्व कर दूंगा, 100 / 10 इज कमिंग 10 ओनली, फिर मेरे पास नेक्स्ट पेयर है,
और डिवाइड बाय 1 और डिवाइड बाय 2, सो 10 डिवाइड बाय 2 मेरे पास 5 पॉइंट मेरे पास 2 आ जाएगा, 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे आपके पास 2 आएगा, देन मेरे पास बाकी के पेयर ये वाले बच गए, जब 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 2 ओनली आएगा मेरे पास, दिस इज 2 एंड डिवाइड बाय 2 और 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 आंसर मिलेगा, तो आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग 1 ओनली। तो इस तरह से सभी डिवीजन सिंबल भी देख के आपको घबराना नहीं है, उसको आराम से सोल्व करिएगा, रूल फॉलो करिएगा, जब सेम सिंबल है आपके पास तो लेफ्ट से राइट प्रोसेस करिएगा, राइट, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आपके लिए क्वेश्चन था, आप जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था उसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ओके, मैं वेट करूंगा कितने आंसर मेरे पास कमेंट बॉक्स में आते हैं और फिर उसी क्वेश्चन को हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बोर्ड मास की नेक्स्ट वीडियो, और इसके बाद वी बोर्ड मास भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वी बोर्ड मास और बोर्ड मास में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, जय हिंद जय भारत।